कैसे कर रहे हैं? तो ये अभी मैंने कुछ देर पहले देखा ना, खुला हुआ देखा है मैंने। प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कुछ नहीं है अंदर, क्या बातें कर रहे हैं? मैडम देखो, मैं ना ये अभी 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 लाइव पोस्ट कर दूंगा, जनता मेरी बहुत है। हाँ हाँ भाई, जनता तो तुम्हारी बहुत है, तुम्हारे तो यूट्यूब पे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है। वो बात अलग है कि वीडियोस पे व्यूज ऑन एवरेज 10,000 ही आते हैं, वो भी मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। साला चैनल तुम्हारा डेड हो रखा है, कौन सी जनता है भाई तुम्हारी? ओ अच्छा भाई साहब, तभी बिग बॉस में गए हैं कि मैं बिग बॉस में जाऊंगा और फेमस हो जाऊंगा, फिर शायद मेरा करियर रिवाइव हो जाए। साला रिवाइव का तो पता नहीं, लेकिन जैसी हरकत है ये बंदा बिग बॉस में कर रहा है ना, जो अभी इसकी वीडियोस में 10,000 व्यूज भी आ रहे हैं ना, जो मैंने ज्यादा बोल दिया था, वो भी अब आने बंद हो जाएंगे। भाई जैसे कि तुम लोगों को पता है कि बिग बॉस के इस सीजन में अपने यूट्यूब कम्युनिटी से कुल 3 लोग गए हैं, जिनमें से UK07 की टीम मुनावर की नेगेटिव पीआर करवा रही है और मुनावर की टीम UK07 की नेगेटिव पीआर करवा रही है, और इन सब के बीच में बेचारे तहलका भाई की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा कि तहलका भाई की थोड़ी नेगेटिव पीआर मैं ही कर देता हूँ। अबे क्या अन्याय हुआ है, तुम्हें तो उल्टा मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि नेगेटिव पीआर ही सही, एटलीस्ट कोई तुम्हारी बात तो कर रहा है। और वैसे ही भाई कोई नेगेटिव पीआर वाली बात तो है ही नहीं, एक्चुअली मैंने जिस पे भी वीडियो बनानी होती है ना, उसकी मैंने एक लिस्ट बना रखी है, और मैंने भी तहलका भाई की कभी ना कभी तो कोई वीडियो देखी थी, मुझे याद भी नहीं कौन सी वीडियो देखी थी, कब देखी थी, लेकिन उस दिन मैंने इसका नाम अपनी वो लिस्ट में जोड़ लिया था कि भाई कभी ना कभी तो मैं इस बंदे का रोस्ट करूंगा ही। और कहते हैं ना कि हर कुत्ते का एक दिन आता है, और फाइनली तहलका भाई का आज वो दिन आ गया। अरे नहीं नहीं भाई, तहलका भाई को मैं कुत्ता नहीं कह रहा, भाई तो अपना भालू है। अरे भालू के भी साला इतने बाल नहीं होते जितने बाल अकेले ये बंदे ने अपने मुंह पे उगा रखे हैं। ओ मुंह बोल दिया मैंने इसको, मुंह के नाम पे तो सिर्फ इसका 30% ही है, और अगर उस 30% पे भी ये बंदा चश्मा लगा लेना तो सिर्फ मुंह के नाम पे इसका ये मोटा नाक ही दिखाई देता है। क्यों भाई क्यों, आखिर क्यों तुम ऐसे काम करते ही क्यों हो कि तुम्हें अपना मुंह छुपा के घूमना पड़े, और वो भी ऐसे क्यों? और जिनको नहीं पता कि भाई काम क्या करता हूँ, उनको मैं बता दूं कि भाई का एक YouTube चैनल है जिसका नाम है तहलका। साले ने चैनल का नाम तहलका तो ऐसे रख रखा है जैसे कि पता नहीं क्या ही वीडियो बना के डालता होगा कि पूरे YouTube पे तहलका मच जाता होगा, लेकिन बनाता क्या ये प्रैंक्स। तहलका ये तो वही बात हो गई कि दुकान वाले ने पटाखा कहकर बेचा सुतली बॉम्ब, और जब फटा तो निकला बिजली बॉम्ब। मेरे बाहर निकलने के बाद ही 4-5 दिन बाद 6 दिन बाद आपको अच्छे लेवल की वीडियोस देखने को मिलेगी, मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है, इस लेवल का प्रॉमिस है कि नाना करते 2-3 महीने में 1,000-2,000 घरों में अच्छा राशन पहुंचने वाला है, अच्छी सेवा होने वाली है, जिनके बाद दवाई के पैसे नहीं दवाइयाँ पहुँचने वाली हैं। तो प्यार देना अपने छोटे भाई को, अपने प्यारे बेटे को, तहलका भाई को, जीत के आना है यार। वाह तहलका भाई वाह, तुम ना बड़े होके पक्का एक मंत्री बनोगे। साले तो बिग बॉस में गया या वहां पे जाके लोकसभा की इलेक्शन में खड़ा हुआ है, जो मंत्रियों की तरह झूठे वादे कर रहा है, तुम मुझे वोट दो मैं गरीबों को राशन बांटूंगा, जिनके पास दवाई लेने के पैसे नहीं है उनको मैं दवाइयां दूंगा, तुम बस मुझे वोट दो और मुझे जिता दो साला। हाँ वैसे इसके लिए कौन सा कोई नई बात है, इसका तो वैसे भी ये यूट्यूब पे साइड कंटेंट है ना, जब भी इसके वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे होते हैं तो लग जाते हैं दान पुण्य करने। तहलका भाई देगा बहुत सारी खुशियाँ, आ जाओ। दीदी सारा सामान कितने का है, कितने पैसे बता रही है? चलो कोई नहीं दीदी, ताली बजाओ। आप सबको जिनको जो जरूरत है ना पैक करके दो, मैं सारा सारे पैसे मैं दूंगा आपको। लो आंटी जी, जो जिनको जरूरत है वो ले जाओ, लो बेटा। वाओ तहलका भाई तो कितने अच्छे इंसान है, उन्होंने उस गरीब आंटी की कितनी मदद कर दी, उनकी सारी सब्जी खरीद ली। अब कुछ लोग यही सोच रहे होंगे ये देखकर, और यही ये बंदा सोचवाना चाहता है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने इसकी बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिसमें ये रेडी वालों के पास जाता है, उनको पूछता है आप क्या बेच रहे हो, अच्छा आप गरीब हो, आपका ये सामान कितने का है, अगर 2,000 के नीचे होता है तो उनका सभी सामान खरीद लेता है, और उनको कहता है ठीक है भाई अब अपने घर जाओ। वो बेचारा बंदा सुबह अपने घर से कलेश से बाहर निकल के आता है कि चलो आज कि मैं ये सारा सामान बेचूंगा, पैसा कमाऊंगा और घर से थोड़ा दूर रहूंगा। अचानक ये प्राणी वहां पे प्रकट होता है और उनको कहता है कि लो भाई ये सारे पैसे मैं तुम्हें देता हूं और भागो अब। अब वो बंदा बेचारा क्या करे, उसको तो उसने कर दिया ना बेरोजगार। साला इस इंसान की वजह से हमारे देश में और बेरोजगारी बढ़ रही है। अरे नहीं नहीं भाई, मजाक को साइड में रखते हैं, सच बात पे आते हैं। सच बात ये है, जब ये लोगों की दुकान पे जाता है, उनसे सारा सामान खरीदता है, तो ये वीडियो डालता बना के, तो लोगों को लगता है भाई ये तो कितनी हेल्प कर रहा है उनकी, उनका सारा सामान खरीद लिया, आगे इसने फ्री में बांट दिया। लेकिन जबकि होता क्या, ये उनसे 3,000 का सामान खरीदता है, आगे उसको फ्री में बांटता है, वो सब ठीक है, लेकिन उस सब की वीडियो बना के फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, पता नहीं कहां कहां डालता है, और वहां से खुद लाखों में कमाता है, 1,000 रुपया देके लाखों में कमा रहा है।
खुद का कंटेंट इसके पास है नहीं तो औरों को दिखा दिखा के कंटेंट छाप रहा है और उसी से पैसा भी छाप रहा है और लोगों को लग रहा है हेल्प कर रहा है औरों की, जबकि कर ये खुद की हेल्प रहा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मेरा नाम है तहलका भाई, मैं जा जाता हूँ सारा सामान ले लेता हूँ। एक तो यार पहले इसका कोई नाम चेंज करो, तहलका भाई, साला नाम सुन के ऐसे लगता है पता नहीं कौन सी खतरनाक गैंग का मेंबर है ये, और करता क्या है ये। चलो छोड़ो, काम की बात हम नहीं करते हैं क्योंकि काम पे तो हमने इसके रोस्ट करना, तो हम इसके नाम पे आते हैं। नाम, अरे भाई नाम चेंज कर ले तो कुछ, तहलका से मिलता जुलता नाम रख ले। तहलका से मिलता जुलता क्या होगा, हाँ टकला। अरे नहीं नहीं टकला तो नहीं यार, इसके बालों पे सूट नहीं करेगा ना वो, तो कुछ और रखते हैं। हाँ टल्ली भाई, प्रैंक वाला। चलो अब टल्ली भाई के कुछ प्रैंक्स भी देखते हैं। सरदार जी ने तोड़ी 1 करोड़ की गाड़ी, साइड वाला इमोजी। ओहो, लगता है तहलका भाई का ये सरदार जी के साथ झगड़ा हो गया, और ये कैमरामैन तो मुझे लग रहा है इनविजिबल है कि वो वीडियो बना रहा है और किसी को पता ही नहीं चल रहा है, या फिर ये वीडियो ना पक्का सरदार जी खुद बनवा रहे होंगे कि मैं तहलका भाई से झगड़ा करने जा रहा हूँ तो वीडियो बना लेता हूँ, और तहलका भाई ने उसके बाद सरदार जी से वीडियो मांग ली होगी कि भाई तुम वीडियो का क्या करोगे, इससे अच्छा मुझे दे दो, मेरा कंटेंट बन जाएगा। और सरदार जी को तो देखो जरा, और ब्लैक बनकर आए हैं, नीचे ब्लैक, ऊपर ब्लैक, ऊपर से चश्मा भी ब्लैक, इन दी ब्लैक नाइट, मतलब रात को काला चश्मा पहन के कौन घूमता है भाई। चलो छोड़ो, अब मैं क्या ही कहूँ, तहलका भाई की वीडियो है, शायद इनका प्रोडक्शन लेवल हाई होगा ना, शायद ये भी हाई थे। क्या हो गया पाजी, पहले ये बताओ मेरे को आप, क्या हो गया, क्या हो गया ये बताओ भाई, मैं कहाँ से उतर आ रहा हूँ, कहाँ मेरी ब्लड उतर कर। ओहो टल्ली भाई तो गाड़ी से उतर के ऐसे आए हैं जैसे पता नहीं क्या ही बवंडर ला देंगे। ओ सॉरी, ये तो तहलका है ना, क्या ही तहलका मचा देंगे। और जब से वो सरदार जी इतने टाइम से आवाज लगा रहे तब गाड़ी में आराम से बैठ के देख रहा था। ओ अच्छा, वीडियो भी तो लंबी करनी होती है ना, और उसके बाद पता नहीं ये ट्यूबलाइट कौन रस्ते के बीच में छोड़ के चला गया कि यहाँ पे तहलका भाई को कल को सरदार जी का झगड़ा होगा तो वो सरदार जी ये ट्यूबलाइट को उठा के तहलका भाई की गाड़ी पे मारेंगे, और गाड़ी पे हो रखा है रैप। और ये वीडियो के बाद पक्का तहलका भाई ने गाड़ी का रैप चेंज करवाना होगा, देख लेना भाई, आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। 1.5 साल पहले गोल्ड की चैन चोरी हुई थी घर से, आपको सच दिखाऊंगा, आज मेरे ससुर जी ने बहुत बड़ा खेल कर दिया। 1.5 साल पहले मेरी गोल्ड की चैन चोरी हुई थी, बहुत ज्यादा तोला की, मतलब आप सोच नहीं सकते कि वो गुम होने के बाद मैं बहुत परेशान हो गया था, 5-6 महीने हालत खराब हो गई थी। उनका दिल से धन्यवाद है, जिंदगी भर इस बात को नहीं भूल पाऊंगा। दोस्तों कूलर सामने पड़ा हुआ है, अब चैन का कनेक्शन मैच कर रहे हो गए, क्या है क्या नहीं है, टाइम देख लो, रात को 1:19 और आपको लग रहा होगा कि दोपहर का टाइम है, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये रात का समय है, आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, कुछ लोगों को यकीन नहीं होता कि भाई ये चल रहा है वो चल रहा है। मैं कह रहा हूँ पापा दिल से धन्यवाद है, जो आपने मेरे लिए किया ना, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, जिंदगी भर ये एहसान नहीं भूल सकता मैं। कूलर के अंदर क्या मिला है, कैसे मिला है, अभी तक हमने हाथ नहीं मारा, लेकिन आपको दूर से दिखा देता हूँ, 1 सेकंड फ्लैश ऑन कर दूँ, और ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है दोस्तों, 28 लाख रुपए की चीज कूलर के अंदर से मिली है। साला इसने अपनी पूरी वीडियो में कूलर दिखा दिया, अपना टकला ससुर दिखा दिया, टाइम दिखा दिया, यहाँ तक कि बालकनी में जाके रात तक दिखा दी, लेकिन इसने वो 28 लाख की चीज नहीं दिखाई। साला ने इतना सस्पेंस बना दिया लेकिन 28 लाख की गोल्ड की चेन नहीं दिखाई जो भाई के कूलर में गिर गई थी। अबे तहलका भाई तुम्हें पता भी 28 लाख होते कितने हैं, साला अगर तुम्हारे पास 28 लाख की चेन होती ना तो तुम्हारे घर पे कूलर ना होता। बात कर रहा इसका ससुर वहां पे बैठ के कूलर के पानी की मोटर ठीक कर रहा और ये अपनी अलग ही कहानी बना रहा, मेरी 28 लाख की गोल्ड की चेन गिर गई थी कूलर में जो कि ससुर जी ने ढूंढ के निकाल लिया लेकिन वीडियो में अब तक इसने दिखाई नहीं, पता नहीं क्या कर रहा है भाई। ओ ये तो प्रैंकस्टर है ना, शायद इसने ये प्रैंक किया होगा, इसने पूरी कहानी बना दी कि ऐसे है हुआ ऐसा वैसा हुआ लेकिन गोल्ड की चैन थी नहीं, ये हमारे साथ प्रैंक हुआ है। वाओ, शायद ये प्रैंक को समझने के लिए ना हाई लेवल का IQ चाहिए होगा, शायद टल्ली भाई के लेवल का IQ, उसके लिए शायद मुझे बाल भी उगाने पड़े। द्वारका सेक्टर 23 टहलका भाई मिले, द्वारका सेक्टर 23 वर्धमान मॉल में, क्या मोमो जोन पे मोमो खाते हुए और भाई का बिहेवियर डाउन टू अर्थ, मान गए भाई में कोई अकड़ नहीं,
भाई ने हाथ लगाया, भाई ने सब कुछ करा, भाई ने... अबे एक मिनट, ये बंदा क्या बोल रहा है भाई? तहलका भाई ने मेरे हाथ लगाया, कहाँ लगाया, सब कुछ किया, क्या किया? अरे तहलका भाई, तुम ऐसे भी हो क्या? मेरा भाई तहलका भाई मिला मुझे, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं मोदी की शॉप पे मिल गया भाई को। अरे भाई, तुझे पता भी है कि तू बोल क्या रहा है? तहलका भाई से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है मिलने के लिए, वो मोमोज की दुकान पे मिल गए, पहले कह रहा था कि मॉल पे मिल गए। अबे क्या बोल रहा है तू? तुझे ये स्क्रिप्ट ना पक्का तहलका भाई ने लिख कर दी होगी। अरे तहलका भाई, इसको तुमने कितने पैसे दिए हैं अपनी खुद की तारीफ करवाने के लिए? अरे भाई बस कर, अब बस कर यार। तहलका नाम से एक वो चल रहा ना व्लॉग्स, तहलका नेहा, मैं वीडियो कॉलिंग कर रहा हूँ सर के साथ, आप समझ जाओगे कौन है। सर के साथ मैंने एक व्लॉग भी बनाया, एक वीडियो भी बनाई छोटी सी। भाई के पास एमजी एक्टर है, वाइफ है, हस्बैंड वाइफ की वीडियो केमिस्ट्री एक नंबर है, थप्पड़ खाते हैं ऐसे करके भाई से। वाह, उस बंदे की बीबी तहलका भाई को पहचान ही नहीं रही है, और तहलका भाई अपनी पहचान करवा भी कैसे रहे हैं कि मैं वही बंदा हूँ जो यूट्यूब पे अपनी बीबी से थप्पड़ खा खा के वीडियो बनवा रहा होता है। यार मतलब लोग अपनी पहचान करवाते हैं अपने काम से, और ये तहलका भाई का काम ही यही है, अपनी बीबी से थप्पड़ खाना। हाँ वैसे बात तो सही है, साला इसकी कोई भी वीडियो उठा कर देख लो इंटरनेट पे, सभी में अपनी बीबी से थप्पड़ ही खा रहा होता है। पता नहीं है उन वीडियो को प्रैंक कहता ही क्यों है, प्रैंक के नाम पे अपनी बीबी से क्लेश तो कर रहा होता है भाई। तू ओ सॉरी भाई, मैंने क्लेश भी गलत बोल दिया था, क्लेश तो ये करता ही नहीं है, प्रैंक के नाम पे सिर्फ ये अपनी बीबी से थप्पड़ ही खा रहा होता है। साला इतना तो गैस तेज होने पे कुकर में दाल ही नीचे लगती जितना ये इंसान अपनी पत्नी के नीचे लग रखा है। पहले साला जब भी इस इंसान को कंटेंट की कमी होती है ना, तो ये अपनी बीबी के पास भाग जाता है। यहाँ तक कि ये बात बिग बॉस को भी पता थी, जब तहलका भाई को बिग बॉस ने स्टेज पे बुलाया तो साथ ही साथ उसकी बीबी को भी बुला लिया, क्योंकि बिग बॉस को भी इस पे शक था कि शायद तहलका भाई को बुलाने पे बिग बॉस में टीआरपी ना आए, तो उसकी बीबी को बुला के देख लेते हैं, फिर थोड़ी बहुत टीआरपी आई जाएगी। इस बंदे का तो मैं बताती हूँ, तेरी तारीफ करवा रही हूँ, तारीफ करवा रही हूँ, ये क्या अच्छी लग रही है भाई, शादी किस लिए करी थी, मेरे को समझ में नहीं आता। टीआरपी का तो पता नहीं, लेकिन मेरे कानों से खून जरूर आ रहा। अबे इस पागल औरत का रिमोट कहाँ पे है यार, कोई इसकी वॉल्यूम ही कम कर दो। अबे पहले इसकी कोई जाके ब्राइटनेस कम करवा दो, साला खुद को गोरा दिखाने के चक्कर में जो बैकग्राउंड में चीजें ऑलरेडी गोरी थी वो दिखनी बंद हो गई है। साला इसका सिस्टम ना पूरा मेरी मम्मी के फोन वाला है, साउंड फुल, ब्राइटनेस फुल, और जैसे वो फोन में बिन मतलब के कोई भी ऐप खुले रहते हैं, वैसे ये औरत की बकवास बिन मतलब की बिन लॉजिक की कुछ भी बोली जा रही है। जीजू, अरे बच्चे जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? अरे इधर आए, बड़ी तरफ ये क्या, अभी दुकान पे गए थे ना आधा घंटा पहले, दुकानदार को बोलती है बच्चे जैसा दिमाग है तो बच्चा बन गया मैं, तो ऐसे नहीं करते। ब्रो थिंक्स की खुद की वीडियो में खुद की बेइज्जती करवाना इज सो मच फनी कंटेंट। साला अब तो मुझे इसकी और बेइज्जती करने का मन भी नहीं कर रहा, वैसे इसकी बेइज्जती मैं अब करूं भी क्या, बेइज्जती तो उसकी होती है ना जिसकी कुछ इज्जत होती है, और इज्जत इसकी तो क्या ही है, साला हर वीडियो में अपनी बीवी से चपेड़ खा रहा है। बाकी इससे ज्यादा मैं इस इंसान के बारे में और नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये बिग बॉस में गया और बिग बॉस वालों की फैन फॉलोइंग पता नहीं अनपढ़ गवार क्या ही होती है, कहीं इसका भी कोई फैन उठ के मुझे आके ये मत बोल दे। तहलका भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? तहलका भाई